क्या आपको खुशी नहीं है? क्योंकि किसी की खुशी हमारी खुशी, बोलो क्या है? किसी की खुशी हमारी खुशी, और वो खुशी आपकी खुशी भी है। हमें साइड पे आ जाओ, सारे सब जन साइड पे आ जाओ, साइड पे। पहले गवाही देंगे फिर नाचना। साइड पे आ जाओ सारे, एक लाइन बना लो, लाइन बनाओ। पहले हम गवाही सुनते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए ये ढोल बजा रहे हैं तो सबको पता चलना चाहिए। जो ज्यादा पीछे वो स्क्रीन में देख सकते हैं। हाँ तो हाँ बताओ इनकी गवाही को। हाँ तो अभी सबसे पहले हम इस गवाही को सुनेंगे, ताकि ये ढोल किस चीज के लिए बज रहा है। हाँ बताओ, जल्दी से बताओ। हालेलुया, जिस सिस्टर की गवाही जे परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, और जे आज अपनी गवाही को देने के लिए आए, और जे सिस्टर का मन, इनका नाम मनप्रीत है, और जे सिस्टर ने अपने ब्रदर के लिए विश्वास किया था 25 दिसंबर 2020 की मीटिंग में, जे सिस्टर ने बताया कि जैसे प्रभु के दास के मुख से प्रोफेसी वर्ड आया था कि जिनके पास बेबी नहीं है, घर नहीं है, परमेश्वर उनको ब्लेस करने वाले। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मैं घोषणा करता हूं, मैं आपके लिए ये प्रोफेसी करता हूं कि सचमुच उन लोगों के जीवन में ये डबल आशीष जो मेरे मुंह से आई है, जिनके पास बेबी नहीं है, जिनके पास बेबी नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, काम नहीं है, बीमार है, चाहे उनको कैसे भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। ये 2021 आपके लिए ये भी, ये जो महीना है दिसंबर का, ये ब्लेसिंग का महीना था। मैंने बोला था कि लगातार फने रहो, संडे बुधवार लोगों, यही यो अभी अपने एक्ट में। जैसे ही इनकी सिस्टर ने इस वर्ड को इनके लिए रिसीव किया, उस समय इनकी मैरिज हुई थी और जी उस संगति में आए थे, और जैसे ही इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया तो परमेश्वर ने 1 महीने बाद ही इनको बेबी के साथ ब्लेस कर दिया। और जैसे ही जो सिस्टर जो ब्रदर ऐसे मीटिंग में बने रहे, संगति में आते रहे, जब परमेश्वर ने इनको बेबी के साथ ब्लेस किया था, तो जो सिस्टर बता रही कि जैसे जिस दिन इनकी डिलीवरी थी, 31 अक्टूबर के दिन जो सिस्टर की डिलीवरी थी, और जी सिस्टर बता रही कि पहले तो डॉक्टर बोलते थे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, और जिस दिन डिलीवरी थी उस समय भी डिलीवरी के टाइम भी नॉर्मली बोल रहे थे, पर जैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ऊपर होने के कारण इन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि अभी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि जो बेबी था उसकी पोटी ऐसे बीच में निकल गई, और जिसके कारण डॉक्टर ने कहा कि खतरा है, इसके लिए हमें सर्जेरियन ऑपरेट करना पड़ेगा। और जैसे उस समय सिस्टर का ऑपरेट होना था, तो डॉक्टर ने बताया कि हम दोनों के लिए बहुत खतरा है, और माँ के लिए भी और बेबी के लिए भी। तो जैसे ही इनका विश्वास प्रभु के ऊपर था कि सच में परमेश्वर जी ब्लेसिंग आपने दी है और आप ही हमें हर एक चीज में ब्लेस करते हो, तो जैसे इनका विश्वास प्रभु के ऊपर था, और जिस दिन इनकी डिलीवरी थी उस समय इस ब्रदर ने ऐसे प्रभु के दास के साथ बात की, और उसी टाइम इन्होंने प्रार्थना करवाई, और जैसे डॉक्टर बोल रहे थे कि इनकी डिलीवरी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा खतरा है, पर जैसे ही प्रार्थना हुई और प्रभु की आत्मा ने इस बहन को छुआ, और तुरंत ही जो डिलीवरी थी वो परमेश्वर ने हुई तो सर्जेरियन के साथ, पर परमेश्वर ने उस प्रेड को सक्सेसफुल रखा, परमेश्वर ने इस बेबी को भी संभाल कर रखा, और इस बच्चे की माँ को भी संभाल कर रखा, और आज इस खुशी के साथ, ढोल के साथ बेबी बॉय की गवाही देने के लिए परमेश्वर के हजूरी में आए। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया इस गवाही के लिए। सुनो 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 सुनो, देखो ये जो पकड़ने वाले, बोलो कहीं, ये 2020 की मैंने ऐसे प्रोफेसी पिछले साल की थी कि जिनके पास बेबी नहीं है, घर नहीं है, प्रॉब्लम में दुख है, परमेश्वर ने क्या करने का। तो अभी जब इन्हों इस बच्ची को खुदा ने जब बेटे की आशीष दी, तो ये इनकी सिस्टर है, आप हाथ खड़ा करो। हाँ ये इनकी सिस्टर है भाई साहब की, इनका नाम क्या है? मनप्रीत। मनप्रीत जी। तो
क्या हुआ कि इन्होंने उस 2020 में जो मेरे मुंह से वो प्रोफेसिव वर्ड आया तो इन्होंने रिसीव किया। और जब जी गवाही देने वाले तो हमने इनसे जब बात की तो इन्होंने उस मीटिंग को बताया कि उस मीटिंग में मैंने रिसीव किया। और जब हम पिछले साल की मीटिंग को हमने ओपन किया, खोला, ये कहते उसमें रिसीव किया, और ये तब हमें पता चला जब, क्योंकि वहीं से हमने ये वीडियो क्लिप काटा है। क्या काटा? क्योंकि इन्होंने देखो कितना उस लंबी याद रखा कि मैंने किस मीटिंग में ये चीज रिसीव किया। देखो परमेश्वर सच्चा है। क्या है? सच्चा है। और आज अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही, अपनी ब्लेसिंग के साथ ये सामने खड़े हैं। डिलीवरी के समय कुछ प्रॉब्लम तो बड़ी थी, पर जो रिसीव किया था, जो मांगा था, कैसे हो सकता है कि शैतान उसे चुरा कर ले जाए? हो सकता कभी? आपने परमेश्वर से मांगा विश्वास से इतने लंबे समय से, और शैतान उस चीज को चुराई? हो नहीं सकता। क्या नहीं सकता? प्रॉब्लम तो जरूर आई डिलीवरी के समय। क्या ही डॉक्टर ने बोला, मां को भी खतरा और बेबी को भी, क्योंकि पोटी बच्चे के बीच में निकलने के कारण कुछ ऐसे हो गई। समझे? पहले तो नॉर्मली डिलीवरी बन रहे थे, बाद में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि शैतान खुश नहीं ना होता। क्या नहीं होता? खुश नहीं होता। क्या कहते हैं, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। पर लोग ये सिर्फ संसार में ऐसे बात करते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, ये तो सिर्फ संसार में बात है, पर हमारे लिए बात नहीं है, हमारे लिए ये सच है। क्योंकि हमने सच्चे परमेश्वर को, जो एक ही परमेश्वर है, हमने उसको आज जाना है। क्या जाना है? जो एक ही है। और उस खुशी के साथ और इस ब्लेसिंग के साथ ये तीनों, ये सिस्टर जिन्होंने रिसीव किया, ये भाई साहब, उनकी पत्नी और बाकी उनका पूरा परिवार, दिखाओ उनके पूरे परिवार को भी दिखाओ। आज इस खुशी में ढोल के साथ प्रभु की महिमा के लिए खुदा के भवन में आज इकट्ठे हैं। इसलिए ये खुशी इनकी नहीं, हम सब की है, क्योंकि हम सब खुदा का एक परिवार है। खाते हुए और तारीफ करते हुए नाचते, भाई ढोल बजाओ खुशी से, सब नच नच जश्न मनावा खुशी से, नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावागे, सच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावागे, यसुदे कदे मचावागे, यसुदा शुक्र मनावागे, खुशी से खुशी से, क्योंकि इनकी खुशी आपकी खुशी है। नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावागे, नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावागे, सब नाचे सब गाएं, नच के शर्मिंदा होता है, नाचो 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 सब नाचो, ओदे घर विच कोई थोड़ी नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, ओदे घर विच कोई थोड़ी नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, मैनू होर शुक्र मनावागे, यसुदा शुक्र मनावागे, ओके हालेलुया, आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? क्या नाम रखा है इनका? क्या नाम रखा? जयवीर। जयवीर, जयवीर, ये नाम आपने कहां से चूज किया? आगे आओ जल्दी से। ये नाम आपने कहां से चूज किया है? वचन में से। वचन में से कहां से मिला? आपने किया पापा जी। देखो परमेश्वर सच में आप प्रेम करते हैं ना,
तो जो लोग ज्यादा प्रेम करते हैं वो अपनी हर एक चीज किससे पूछते हैं। तो अभी ये कहते हैं कि नाम भी आप रखो, क्योंकि खुदा ने अगर आशीष दी है तो नाम भी कहां से आना चाहिए। तो मैंने तीन तीन नाम इन्हें दिए, तीन, जिनमें से इन्होंने एक चूज किया और उस बेटे का नाम छह वीर। तो छह वीर का मतलब, क्योंकि बाइबल में लिखा हम छह वंश से भी बढ़ करें, हम हर चीज में फतेह पाए हुए लोग हैं। और मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं कि सच में ये परमेश्वर की ध्यान से ये बच्चा आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके जीवन में उस जय को लेकर आया है। आमेन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, क्योंकि खुदावंद ने जो आज ये वचन, ये आशीष दी है, और मैं ये जो आज वर्ड मिला है आपको, प्रोफेटिक वर्ड, ये याद रखना, क्योंकि सच में ये जय लेकर आया है और खुदावन आपको ये फैमिली को और घर को बहुत ब्लेस करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। तो के गॉड ब्लेस यू इन सब गवाहियों के लिए। ओके, तो सब, हाँ, परमेश्वर सबको आशीष दें।